ये सैमसंग का लैपटॉप है और इस सैमसंग के लैपटॉप में यहाँ पे इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे विंडोज 8.1 सिंगल लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम है और मुझे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना है, यानी विंडोज 10 इसमें इंस्टॉल करना है। तो ये पेन ड्राइव है मेरे पास, मैंने इसको बूटेबल कर रखा है, इसमें विंडोज 10 मैंने बूटेबल किया हुआ है और इसे मुझे इंस्टॉल करना है इस लैपटॉप में। ठीक है, तो चलो फिर अभी एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे पेन ड्राइव लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेन ड्राइव, यहाँ पे देखो यहाँ पे पेन ड्राइव यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको रिस्टार्ट कर देते हैं और अभी हमें जाना होगा बूट डिवाइस जहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ना। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, जैसे ही ये रिस्टार्ट होता है तो F10 हमें प्रेस करना है। क्या F10 हमें इसे यहाँ पे प्रेस करना होगा। ठीक है, तो F10 प्रेस करने से क्या होगा कि हमें बूट डिवाइस ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, हम बूट डिवाइस ऑप्शन में जा सकेंगे। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक हार्ड डिस्क है तोशिबा। ठीक है, एक ही ड्राइव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेन ड्राइव लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे बूट डिवाइस ये पेन ड्राइव हमें दिखाना चाहिए, तभी हम वहाँ से इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। इसके लिए अभी क्या करना होगा, नीचे एंटर सेटअप में जाइए। ठीक है, एंटर सेटअप में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा एडवांस ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फास्ट बायस मोड। ठीक है, यहाँ पे एनेबल है, इसे डिसेबल करना है। ठीक है, मैंने डिसेबल कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जिट सेविंग चेंजेस, यानी हाँ उससे पहले भी आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये सेकंड बूट मोड जो है ये डिसेबल इसको करके रखना है। और यहाँ पे नीचे ओएस बूट मोड सिलेक्शन में क्या करना है, आपको UEFI एंड लीजेसी मोड आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद एग्जिट सेव, उसे सेव कर दो। ठीक है, ओके, वापस से आपको F10 प्रेस करना है। ठीक है, मैंने F10 प्रेस कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सैंडिस्क क्रूजर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा था। अभी मैं एंटर करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया मैंने। और ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी ये लैपटॉप रेडी हो गया है। विंडोज 10 जो मैंने पेन ड्राइव में बूटेबल किया था, तो ये इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारे जो नए वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे आपके ईमेल के थ्रू। ठीक है, देखते रहिए हिट शॉर्ट फिल्म।